हेलो दोस्तों, पहले हमारी संस्कृति में बड़ों का होना, माता पिता का होना एक आशीर्वाद समझा जाता था, मगर आजकल ऐसा नहीं है। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि आजकल अपने ही बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, या कुछ की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, या कुछ बुज़ुर्ग हैं जो लावारिस हैं, तो ऐसे ही लोगों को, बड़े लोगों को रखने के लिए एक ओल्ड एज होम बना हुआ है जो है दिल्ली बाईपास रोड पर, जहाँ पर इन बुज़ुर्गों को रखा जाता है, जो बिल्कुल ही निशुल्क सेवा दी जाती है। तो चलिए देखते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आई हूँ एक वृद्ध आश्रम में जो है दिल्ली बाईपास रोड पे, जिसका नाम है माता राम बेटी वृद्ध आश्रम, जहाँ पर वृद्ध लोगों को रखा जाता है, जो लोग अपने बड़े लोगों को छोड़ देते हैं और अपने घर में उनके लिए जगह नहीं होती। एक बहुत ही दुख का विषय है हमारे देश में, तो यहाँ पर उन वृद्धों को संभाला जाता है और उनकी देखरेख की जाती है, लेकिन यहाँ पर पैसे की कमी होने के कारण से उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए। तो मेरी आप सबसे अपील है कि इस नेक काम में आप लोग हाथ बटाएं, और जिसकी भी जो भी श्रद्धा है वो यहाँ पर दान दे सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप पैसे से दान दें, आप पुराने कपड़े, अपने बिस्तर, कंबल, बर्तन, जो भी चीज़ देना चाहे वो दे सकते हैं, बुक्स भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी लाइब्रेरी भी है। तो इस नेक काम में हाथ बटाएं और अपने जीवन में पुण्य कमाएं। आज हमने यहाँ पर पूरे दिन का तीनों जो मील हैं वो अपनी तरफ से दिए हैं, तो वो देने हम आए हैं। यहाँ दान करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उनसे फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो मैं फ़ोन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और एक फैमिली है जो इसका देखरेख कर रही है, तो मैं चाहती हूँ बहुत लोग आएँ और इसमें हाथ बटाएँ और इस वृद्धाश्रम को बढ़ाएँ और पुण्य कमाएँ। यहाँ पर ये बीच में स्पेस बना हुआ है और जिसके अंदर एक हवन कुंड है। किसी का भी कोई बर्थडे या कोई त्यौहार होता है तो वहाँ पर सबको साथ में लेकर हवन किया जाता है और फिर प्रसाद बांटा जाता है। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर ये जो स्पेस है, अब इन्होंने यहाँ पर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उगाने का काम स्टार्ट कर दिया है, जिससे ये यहाँ की जो भी वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं वो खुद से उगा सकें। और यहाँ पर कुछ लोगों ने अभी रूम्स भी बनवाए हैं ऊपर। और यहाँ पर रोज़ हर खाने से पहले गऊ ग्रास निकाला जाता है और वो गायों को खिलाया जाता है, और गायें भी यहाँ पर पाली हुई हैं। और यहाँ पर स्वान भी उन्होंने बड़े छोटे छोटे पाले हुए हैं। ये देखिए, ये पूरा पॉन्ड बना है और यहाँ पर ये कितने प्यार से खेल रहे हैं। और ये है वो लाइब्रेरी जो मैंने आपको बताया था, तो आप किसी भी तरह की जो अच्छी बुक्स हैं वो यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं और जो यहाँ के वृद्ध हैं वो भी पढ़ाई करते हैं यहाँ पर, इस लाइब्रेरी में बैठ के अपना समय व्यतीत करते हैं और ज्ञान को अर्जित करते हैं। तो यहाँ रोज़ जो भी भोजन बनता है, पहले वो भगवान को भोग लगाया जाता है और उसके बाद बुज़ुर्गों में बांटा जाता है, और फिर वो गायत्री मंत्र के साथ उस भोजन को ग्रहण करते हैं। अगर आप स्वयं आना चाहते हैं, खुद आना चाहते हैं, तो भी आप आके अपना जो है भोजन बांट सकते हैं। और अगर आप दूर हैं तो आप वहाँ से भी इनके अकाउंट में पैसे जमा करा देंगे, तो भी आपकी तरफ से भोजन सभी बुज़ुर्गों को खिलाया जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप दिल्ली के पास हैं तभी आप कुछ भी दान कर सकते हैं, आप देश के किसी भी कोने में हैं तो आप वहां से दान दे सकते हैं। यहाँ पर वो सभी बुज़ुर्ग हैं जिनकी या तो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है या उनके अपने लोगों ने उन्हें छोड़ दिया है, तो उन सभी की यहाँ पर बहुत अच्छे से देखभाल की जाती है और इसका कोई भी शुल्क नहीं है, ये सेवा सारी निशुल्क है। इसलिए मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और जिससे कि इनकी जो सुख सुविधाएँ हैं उसमें बढ़ोतरी हो और इनका जीवन ज़्यादा सुखी हो। ये देखिए, यहाँ पर सब कुछ मेंशन है कि अगर आप एक महीने में कितना भी सामान दे सकते हैं, इस तरह से आप कुछ भी यहाँ पर दे सकते हैं दान के लिए, वो सब कुछ इन लोगों के काम आएगा और इन लोगों का जीवन अच्छा बनाने में सहायता देगा। यहाँ पर हर चीज़ की ज़रूरत है, जो भी आपका दिल करे। तो मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएं और इसको और अच्छा बनाने में सहायता करें।
हमारे पूर्वज हैं जो हमें छोड़कर चले गए हैं उनकी याद में हम यहाँ पर भोजन करा सकते हैं। जैसे एक दो टाइम का चाय और नाश्ते का है 1100 रुपये, और अगर एक टाइम का खाना और नाश्ता देते हैं तो 2100 रुपये, और अगर दोनों टाइम का खाना और नाश्ता देना है तो 3100 रुपये। तो मेरे ख्याल से ये जो राशि है ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है जो हम अफोर्ड ना कर पाएँ, क्योंकि अगर हम एक बार किसी मॉल या कहीं पर जाते हैं तो 2100-3100 रुपये तो हम केवल अपना जो जंक फूड खाते हैं उसी में खर्च हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इतने सारे वृद्धों के लिए एक टाइम का, एक दिन का, मतलब तीनों टाइम का खाना 3100 रुपये तो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं, और बहुत अच्छे से खाना बनाया जाता है, दाल सब्जी चावल रोटी मीठा, एक चीज़ मीठा रायता। तो मैं चाहूँगी कि ज़रूर आप लोग आएँ और इसमें दान दक्षिणा देकर इसको बढ़ावा दें। धन्यवाद। यहाँ जो भी कोई दान देता है किसी तरह का भी तो उसकी प्रॉपर रिसिप्ट आपको दी जाती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है श्री आनंद गिरी जी महाराज। तो कितने टाइम से आप ये कर रहे हैं यहाँ पर? ये ओल्ड होम 5 साल से है यहाँ पर। अच्छा, तो कितने यहाँ पर वृद्ध हैं अभी? अभी 42 है। 42 12 माता है, 10 बाकी बाबा। अच्छा अच्छा, तो ये आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी सेवा कर रहे हैं आप सब लोगों की, मतलब देख के बहुत ही दिल खुश हो गया। यहाँ पे अगर कोई आना चाहे, जैसे कुछ सेवा करना चाहे, तो किस तरह से कर सकते हैं? सेवा में ये दाल है, आटा है, चावल है, चीनी है, चाय की पत्ती है, जो भी घरेलू सामान है, तेल साबुन सर्फ कुछ भी दे सकते हैं। अच्छा, और आप अपने घर के वस्त्र कपड़े दे सकते हैं, रजाई चादर कम्बल, आप जो कपड़े पहनते हैं वो भी हमारे लिए बहुत इजी कपड़े होते हैं, यूज होते हैं। तो आपकी पूरी फैमिली करती है ये काम? हाँ, पूरी फैमिली करती है, एक बेटा हमारा जॉब करने जाता है, बाकी सब यही लगे रहते। अच्छा, और खाना वाना कौन बनाता है? मेड भी है और घर वाले भी लग के साथ रहते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए, ये तो आप बहुत ही नेक काम कर रहे हैं, हम लोगों को एनकरेज करेंगे यहाँ पर आने के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आप लोगों के सहयोग से होता है जी। हाँ, मतलब रहते हैं दोनों हाथ हनुमान जी की तरह मजबूताई के साथ। हाँ, मतलब सभी का सहयोग है, आप ही का भी और लोगों का भी, सबका सबका सहयोग है, सभी के सहयोग से। तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएँ और जो भी वृद्ध लोग हैं उनके जीवन को और अच्छा बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद आपका, आपका भी बहुत धन्यवाद है, मित्रों का, आपके सभी साथियों का। हाँ जी, आपके नए पुराने घर परिवार के सभी मित्रों, बिल्कुल ठीक है, कभी एक बार अपना दुख सुख बांटने इनका आए। हाँ जी, बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल आएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ पर किस तरह से वृद्ध लोगों को संभाला जाता है, तो ये मैं चाहूँगी आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें, जिससे सभी लोग आगे आएं और इस अच्छे काम में, इस महान काम में सहायता करें, जिससे कि ये काम और अच्छे से और सुख सुविधाओं के साथ पूरा हो सके। चलिए, फिर किसी अच्छी सी जगह पर दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।